Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali from Modi Academy and today I will be teaching you poem number 5 from Beehive 9th grade textbook and the poem's name is A Legend of the Northland by Phoebe Cary. Okay, so ये जो poem है वो Phoebe Cary ने लिखी हुई है और आपको title देखकर पता चल ही गया होगा कि ये Northland की जो poem है बट एक्चुअल में ये पोएम बहुत लेंदी है बट पोएम में एक छोटी सी स्टोरी छुपी हुई है जो नॉर्थलैंड के बारे में जितना भी नॉर्थलैंड का मतलब है जितनी भी प्लेसेस जो है वो नॉर्थ पोल के नज़दीक है वो सारी प्लेसेस नॉर्थलैंड में आ जाती है उसके बारे में ये पोएम है जो कि एक छोटी सी स्टोरी भी है. इसकी जो लाइंस है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो समझने में बहुत आसानी होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. तो जैसे बताया कि नॉर्थ लैंड की पोएम है वहाँ पे जो है डेज बहुत छोटे होते हैं और जो विंटर नाइट्स होती है विंटर में जो नाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है कि लोग इतना सो भी नहीं पाते, इतनी लंबी नाइट होती है जिसकी वजह से आई थिंक वो लोग जब भी काम पे भी जाते हैं तभी विंटर ही होता है और तभी भी नाइट टाइम ही रहता है, डार्कनेस रहती है आसपास, मे बी जब डे भी हो जाता है तभी भी डार्कनेस रहती है. इसलिए यहाँ पे जो पोएट है वो ये बता रही है कि नॉर्थलैंड में नाइट्स इतनी लंबी है कि लोग इतना लंबा सोते नहीं हैं और शायद नाइट टाइम मतलब डार्कनेस में ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिंडर टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. तो यहाँ पे जो है वो बता रही है कि जब भी स्नो होती है तो जो बच्चे होते हैं वो स्लेजेस जो एक टुकड़ा होता है वुड का उससे खेलने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वो स्की बोर्डिंग करते हैं किसी चीज़ को पकड़ के, उसी तरह की एक टुकड़ा होता है वुड का उससे स्नोबोर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं. और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ऑफकोर्स वहाँ पे ठंड होगी, नॉर्थ पोल है सबसे ठंडी जगह होगी, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, तब जो बच्चे हैं वो उस तरह की स्वेटर पहनते, इतनी ज़्यादा स्वेटर पहनते कि जो बियर के जो बच्चे होते जितने फ्लफ़ी होते उस तरह की स्वेटर पहनते तो बियर्स कब जैसे लगने लगते, बियर के बच्चे जैसे लगने लगते अपने फरी फनी क्लोथ्स में. फरी मतलब बहुत ज़्यादा जो फर वाली जो चीज़ें होती है, जैसे हमारा जो स्वेटर है वो बहुत ज़्यादा अगर फरी है, वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि उन्हें फ़र की ज़रूरत पड़ती ही होगी बिकॉज़ फ़र जो है वो बहुत गर्म होता है, उन्हें बहुत गर्म रखता है इतनी ठंड में, इसलिए वो वहाँ पे बताया है कि फनी फरी क्लोथ्स. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो यहाँ जो है वो बता रही है कि एक स्टोरी सुनाती हूँ पर मैं वो नहीं मानती कि वो स्टोरी ट्रू है, पर शायद तुम्हें उस स्टोरी से एक लेसन लर्न हो इस बारे में बता कि तुम्हें कुछ सीखने को मिले, मॉरल स्टोरी है सीखने को मिले, इसलिए मैं तुम्हें एक टेल सुनाती हूँ, ऐसा बोलती है पोएट. Once when the god Saint Peter lived in the world below, walked about it preaching just as he did, you know. तो यहाँ जो वो स्टोरी सुना रही है वहाँ पे वो स्टार्टिंग में बोलती है कि एक गॉड सेंट पीटर है, जो सेंट है वो जब अर्थ पे रहा करते थे तब वो हम सबके बीच में ही रहते थे, हम सबके बीच में जाते थे, प्रीचिंग मतलब प्रेइंग, उन्हें प्रे करते थे लोग, इस तरह की वो स्टोरी स्टार्ट करती है. ही केम टू डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. तो यहाँ पे है जो स्टोरी वो स्टार्ट करती है वहाँ पे बता रही है कि वो जब दुनिया का चक्कर लगाया करते थे, दुनिया में ट्रैवल किया करते थे, तब वो एक कॉटेज डोर पे पहुँचते हैं
एक जो छोटी सी कॉटेज होती है, छोटा सा घर होता है, वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। वहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी वुमन थी जो केक्स बेक कर रही थी, केक बना रही थी हर्थ पे। मतलब उस टाइम पे ऐसी चीज़ रही होगी गैस स्टोव जैसी, जिसे लकड़ियों से जलाकर चलाया करते थे। वहाँ पे वो जो वुमन है वो केक बना रही थी। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट्स बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो जो वुमन है वो जब केक बना रही थी तो वो केक बहुत ही छोटी थी, और वो जब केक को देख रही थी तो वो सोच रही थी कि वो इतनी भी बड़ी नहीं है, केक का साइज़ जो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो किसी को दे दे। देयरफॉर शी नीड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर अ लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो उसने जो केक बनाई वो उसे छोटी केक चाहिए थी जो दूसरी बनाई, बट जब उसने वो केक को निकाला और देखा तो वो तो बहुत ही बड़ी केक थी, पहले की तरह वो भी केक बहुत बड़ी थी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट इन अ थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। तो वो क्या करती है कि एक डो जो होता है वो स्क्रेप करती है, वो निकालती है। स्क्रेप का मतलब है काट के, मतलब हम जब किसी चीज़ को खींच के निकालते हैं उस तरह से उसे निकालती है डो को, और उसको पतला, बहुत पतला जो है बेलने लगती है, उसे फ्लैट कर देती है वेफर की तरह। और फिर वो जो है वो उसे बेक करने वाली होती है, बट फिर भी उसका मन ये कहता है ये अभी भी बड़ा है, ये सोचती है वो। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो यहाँ पर जो है वो ये बोलती है, जो पोएट है वो ये बता रही है कि वो जो वुमेन है जब ये केक बनाती है तो वो जब खुद खाती है तो उसे लगता है कि बड़ी छोटी केक है, बट वेन शी थिंक्स अबाउट गिविंग इट अवे, वो सोचती है कि वो किसी और को दे देगी, तभी वो ये सोचती है कि ये केक तो बहुत बड़ी है और मैं किसी को नहीं दे सकती, और वो जो है वो शेल्फ़ में रखी रखती है केक को। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो यहाँ जो है सेंट पीटर जब कॉटेज पे खाना मांगने के लिए जाते हैं तो वो जो लेडी है वो उसे खाना नहीं देती, बार बार केक बेक्स करती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो केक है वो बहुत बड़ा है लोगों को देने के लिए, जो वो नहीं दे रही होती है सेंट को। तो जो सेंट है वो प्रवोक हो जाते हैं, मतलब जब हम किसी को कोई चीज़ देने वाले होते हैं और हम उन्हें वेट करवाते ही रहते हैं तो एक टाइप का गुस्सा उन्हें आने लगता है, वो गुस्से होने लगते हैं। तो वो जो लेडी है वो इनफ हो जाती है सेंट को प्रवोक करके गुस्सा करने में। इस तरह की पोएम जो है वो पोएट लिख रही है। एंड ही सेड You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो यहाँ पे जो है वो जो सेंट होते हैं वो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत मतलबी हो ह्यूमन फॉर्म के लिए। ह्यूमन फॉर्म मतलब dwell on human form, मतलब कि तुम ह्यूमन फॉर्म, तुम जो ह्यूमन इंसान बनकर जो अर्थ पे आई हो उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और बहुत ज़्यादा बुरी हो। फूड और शेल्टर दोनों अपने साथ होने के बावजूद, तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों है, तुम्हारे पास खाना है, तुम्हारे पास रहने के लिए छत है, फिर भी तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो। और फायर टू कीप यू वॉर्म, जैसे पता है ये नॉर्थ पोल है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो लकड़ियाँ जलाकर खुद को गर्म रखते हैं, घर में फायरप्लेस पे एक जगह होती है जहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती है। इस तरह की बात जो सेंट है गुस्से में कह देता है विमेन को। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो यहाँ जो है वो सेंट आगे से बोलता है कि तुम्हें तो बर्ड होना चाहिए, बर्ड की तरह रहना चाहिए, जैसे बर्ड करते हैं। कि वो क्या बर्ड क्या करते हैं
कि थोड़ा थोड़ा खाना लाते हैं और उसे जमा करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं। उनका जो नेस्ट है या जो ट्री होल होता है वहाँ पे वो खाना जमा करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं, और पूरा दिन जो वो है ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन एक हार्ड ड्राई वुड, मतलब पता है जैसे अगर उनका नेस्ट जो है वो किसी ट्री के एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे एक होल हो जाता है वहाँ पे कहीं पे जो होल है नेस्ट है वहाँ पे वो खाना जमा करते रहते हैं, वैसे ही वो लेडी को बताता है कि तुम भी वैसी ही हो, तुम वही काम कर रही हो। देन अप शी वेंट थ्रू चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तो ये जो स्टोरी है वहाँ पे ये ट्विस्ट आता है कि जब भी वो सेंट ये चीज़ बोलता है, कर्स करता है इन अ सेंस, उसे श्राप दे देता है कि तुम जो बर्ड की तरह जो काम कर रहे हो तो तुम्हें तो बर्ड ही होना चाहिए, और ये सुनते ही वो जो लेडी है वो बर्ड में चेंज होता हो जाती है, और उसकी जो चिमनी है एक पाथ होता है जहाँ से जो धुआँ है वो बाहर जा सके, उसमें से वो निकल के बाहर आती है एज एन बर्ड, वो बर्ड हो जाती है वो सेंट जब उसे ये बात बोलता है। शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन फ्लेम। तो वहाँ पे जो वो बर्ड में चेंज हो जाती है वहाँ से निकल जाती है, बट जैसे वो बर्ड में चेंज होती है ऑफकोर्स उसकी साइज़ छोटी और उसने जो क्लोथ्स पहने रखे वो बहुत बड़े हैं, और वो चिमनी में जहाँ पे फायर प्लेस है वहाँ गिर के जल जाते हैं, ब्लैक एज कोल हो जाते हैं। कोल जो छोटे से वो काले कलर के जब वुड बढ़ जल जाता है तब ब्लैक कलर के फॉर्म होते हैं उसे कोल कहते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कि उसकी जो क्लोथ्स है वो जल के राख हो चुके हैं और सिर्फ एक स्कारलेट कैप जो उसने पहनी हुई थी अपने सर पे वो छोटी सी अभी भी उसके पास है, बाकी सारी चीज़ें जल के राख हो जाती है फायर में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो यहाँ जो है वो आगे लिख रही है, बता रही है स्टोरी कि वो जो लेडी है जिसे बर्ड में चेंज कर लिया वो अभी भी ज़िंदा है और अभी भी वुड्स में रह रही है। सभी जो स्कूल जाने वाले बच्चों ने देखा हुआ है कि वो अभी भी ज़िंदा है, और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड मतलब वो फूड कलेक्ट करती ही रहती है करती रहती है, यही काम है उसका, वो खाना जमा करती ही रहती है। So this was the beautiful poem written by Phoebe. I hope you all enjoyed it. Please, if you liked it, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.